एक्सरसाइज 2.2, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 5 कूलम एट ईच ऑफ इट वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन है, 10 सेंटीमीटर की साइज है, और कितना इस पर चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज है हर एक कोने पर। तो बीच में इसके सेंटर पर आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हेक्सागन है आपके पास, ये हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हैं। कितनी साइड है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की साइड है सारी है, और हर एक कॉर्नर पर कितना चार्ज है, चार्ज है आपका 5 माइक्रो कूलम, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये इसका सेंटर हो गया। तो आप सब जानते हैं हेक्सागन की प्रॉपर्टी से, ये वाली साइड भी कितनी होगी, ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर पोटेंशियल आपको चाहिए हेक्सागन के सेंटर पर, हेक्सागन के सेंटर पर आपको पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पोटेंशियल 6 पोटेंशियल हो जाएंगे। मैं इस पॉइंट को ओ बना रहा हूँ। वी ओ इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, 1 2 3 4 5 6, 6 चार्जेस से होंगे ये, क्योंकि सारे आपस में ये इक्वल है, चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो 6 × V1 हो जाएगा, 6 V1 कितना है, K Q बाय 10 स्क्वायर, क्योंकि जिस साइज साइड कितनी है, 10 है। और ध्यान रखो, आप जब यहाँ आप फॉर्मूले में इस तरह से वैल्यू रखते हो ना, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो ऊपर कहीं, 1/4 पाई सर एप्सिलॉन स्क्वायर आर। थोड़ी ना, सर टाइम का स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है। जब आप फॉर्मूला इस तरह यूज करते हैं कहीं क्वेश्चन में, तो पहले ऊपर लिख दीजिए फॉर्मूला, VP=1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R वोल्ट। तो अब ये आपका कितना रहा, 6 × चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁶ अपॉन 10, तो कितना हुआ, 6 × 5 = 30, और ये हो गया 3 × 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं मैं कर रहा हूँ, सब सही है बिल्कुल ना। 10 सेंटीमीटर मैंने गलत ले लिया है यहाँ पर, है ना, 10 सेंटीमीटर मुझे नहीं लेना था, मुझे लेना था 0.1 लेना था इसको। तो अब ये कितना निकल कर आएगा बताओ, 300 × 10⁻⁶, यानी 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये नेट पोटेंशियल हो गया कहाँ, हेक्सागन के सेंटर पर, क्योंकि 6 के 6 चार्ज एक सेम डिस्टेंस पर है, 6 के 6 चार्ज एक से हैं, तो नेट पोटेंशियल एट। के हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ, के तो रह गया इसमें, क्या बात है, मैं भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इनटू के, और के है कितना आपका, 9 × 10⁻⁹। अच्छा देखो, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ और अपने मन में सोच रहा हूँ, इतना छोटा सा पोटेंशियल तो नहीं आना चाहिए, इतना छोटा पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट, मतलब मिली वोल्ट का भी 10वां पार्ट, इतना छोटा तो नहीं आना चाहिए। अब ये कितना बनेगा आपका बताओ, 27, और -4 से कितने बन सर गए, हाँ -2 5 5 हो गया ना ये, तो 2.7 × 10⁻⁶ यस वोल्ट अब से आ रहा है, हजारों में आ सकता है लेकिन इतना छोटा नहीं आ सकता वोल्टेज। ठीक है।